हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल रोजाना खाना में। आज मैं बनाने जा रही हूँ सोया चाप करी। और ये लजीज सा सोया चाप करी कैसे बनेगा और हम घर के ही मसाले से बनाएंगे तो ये इतना आसान होगा कि आप जब मर्जी जब बना सकते हैं। तो वैसे भी अभी रमजान चल रहा था, रमजान के टाइम पे आप जरूर इसे एक बार ट्राई करें। तो रमजान का 18-19 दिन तो पार हो ही गया है, जो बचा हुआ टाइम है रमजान का उसमें आप ट्राई करते हैं तो हमें बहुत ही अच्छा लगेगा। तो कैसे ये लजीज सा सोया चाप करी हम बनाएंगे इसे आप जरूर एंड तक देखें। वीडियो पसंद आ रही है तो जरूर लाइक करें और दूसरों के साथ भी शेयर करें। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं ये सोया चाप करी बनाना। तो आज हमें दोस्तों उम्मीद है कि आप 5000 लाइक तो कम से कम कर ही देंगे और 1000 कमेंट भी करें, क्योंकि हमें आप सभी का कमेंट का इंतजार रहता है हमेशा से। और इस वीडियो में मिलने वाली है नए नए टिप, तो वीडियो में एंड तक जुड़े रहें। रोजाना सीखें कुछ नया बनाना विद रोजाना खाना। सब्सक्राइब कीजिए रोजाना खाना को और प्रेस कीजिए इस नोटिफिकेशन बेल को, ताकि आपको मिलते रहे हमारे डिशेस और रेसिपीज की नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज मैं बनाने जा रही हूँ सोया चाप की सब्जी। तो आइए देखते हैं ये सोया चाप की सब्जी कैसे बनेगा। तो ये देखिए, सोयाबीन चाप इसे बोलते हैं, ये मदर डेयरी पे आपको आसानी से मिल जाएगा। और ये 500 ग्राम सोया चाप है। और इसे कैसे बनाते हैं मैं बहुत जल्द इसका रेसिपी लेके आने वाली हूँ। तो जब भी आप सोया चाप ला के रखते हैं फ्रिज में, तो इसे बढ़िया से रखें, किसी फॉइल पेपर में लपेट के, कि ये खट्टा ना हो। और इसे हमें बनाते वक्त इसमें हम कट लगा लेंगे, थोड़ा थोड़ा कट लगा लेंगे। आप चाहें तो गहरा कट भी लगा सकते हैं, जैसे कि हम चिकन में कट लगाते हैं। ये देखिए, हम 3 प्याज इतना बड़ा बड़ा था रफली काट लिए हैं। उसके बाद हम इसे रखे हैं प्लेट में। तो हम क्या करेंगे प्याज के और कौन कौन सा मसाला डलेगा मैं आपको बताती हूँ। मसाला तो हर सब्जी में डलता ही डलता है, लेकिन कौन सा मसाला किस सब्जी में डलना चाहिए हम सभी को जानना जरूरी है। तो आइए जान लेते हैं इस सोया चाप में क्या क्या हम मसाला यूज करेंगे। तो आइए हम देख लेते हैं। तो देखिए, सारे मसाले हमारे पास जो है नॉर्मल मसाला, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच किचन की और 1 चम्मच तीखा वाला मिर्च और 2 चम्मच हम देगी मिर्च का यूज करेंगे। तो नॉर्मली मसाला है 500 ग्राम हम सोया चाप के लिए। इसे हम सबसे पहले सोया चाप को हम मेरीनेट करेंगे। तो मेरीनेट के लिए हम दही ले लिए हैं, 50 ग्राम हम दही ले रहे हैं, देख सकते हैं आप। दही ना ये खट्टा है ना मीठा है, नॉर्मली दही है। तो देखिए, दही हम ले लिए हैं, इसमें डालेंगे 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट है ये, और 1 चम्मच हल्दी पाउडर छोटा वाला चम्मच से, 1 चम्मच तीखा वाला मिर्च और 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। इन सब को डाल के मिलाना है हमें। थोड़ा सा मैं गरम मसाला भी डाल लेती हूँ और थोड़ा सा किचन की। अब हम मसाले को स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, जैसे कि मसाला डाल लिए हैं और उसमें हल्का सा ही नमक हम डालेंगे, ज़्यादा नहीं, तो आधा छोटा चम्मच हम नमक डाले हैं क्योंकि हम इसे मैरिनेट कर रहे हैं, ज्यादा नमक नहीं डाल सकते। तो ये सोया चाप पे हम मैरिनेट करने के लिए ये मिश्रण बना रहे हैं। और इस तरीके से आप बनाते हैं सोया चाप की सब्जी तो बहुत ही टेस्टी लगता है, यकीन मानिए। तो देखिए, अच्छे से हम मसाला को मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद में इधर हम पेन में 2 चम्मच सरसों का तेल डाल के गर्म करने के लिए चढ़ा दिए हैं और ये मसाला हमारा बिल्कुल रेडी है। तो अब हमें करना क्या है, सोया चाप में कट लगा लेना है। कट लगा के उसके बाद में हम इसे मैरिनेट कर देंगे, 1 से 2 मिनट के लिए मैरिनेट करेंगे, ज्यादा देर के लिए हमें मैरिनेट करने की आवश्यकता नहीं है। तो देखिए, अच्छे से हम इसे लपेट लेंगे, मसाले में कोट कर लेंगे जो हमारा सोया चाप है। तो सोया चाप में आप थोड़ा डीप कट लगाएं, ज्यादा अच्छा रहेगा। जितना ही अच्छा डीप कट लगाएंगे उतना ही अच्छा ये फ्राई होगा, यानी कि तल के रेडी होगा। तो देखिए, चारों तरफ इसे अच्छे से लपेट लें मसाला को, और उसके बाद एक एक करके इस तरह से रगड़ लें कि चारों तरफ मसाला लग जाए। और लगने के बाद मसाला हम डायरेक्ट इसे पैन में डालेंगे जहां हम तेल गरम कर रहे थे, और सारा जो सोया चाप है इसी तरह से हम मसाला में लपेट लपेट के और रख लेंगे पैन में। तो इस सोया चाप को आप सेलो फ्राई भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं कर रही हूँ। अगर हेल्दी बनाना चाहते हैं तो सेलो फ्राई कर लें, वरना इसे आप डीप फ्राई भी करके निकाल सकते हैं। तो दोनों में आपका टेस्ट में कोई फर्क नहीं आएगा। देखिए, लास्ट का जो मसाला बच जाता है इसे फेंके ना, इसे आप ग्रेवी बनाते टाइम यूज कर सकते हैं। तो
जब तक हमारा सोया चाप फ्राई हो रहा है तो हमें इंतजार करना पड़ेगा। तो मैं आप सभी से बताना चाहूंगी कि ये सोया चाप करी आप कब बनाना पसंद करेंगे। अगर बना रहे हैं तो आप चाहें तो इसका फोटो हमारा इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पेज पे भेज सकते हैं और हमें बहुत ही अच्छा लगेगा देख के। तो देखिए एक साइड से ये फ्राई हो गया है, तो हम इसे दूसरे साइड बिल्कुल सावधानी पूर्वक ही पलटेंगे। तो ध्यान से पलटें, जैसे कि मेरा थोड़ा सा मसाला निकल गया, लेकिन आप ध्यान से इसे पलटें और आप चाहें तो स्टिक का हेल्प भी ले सकते हैं जो सोया चाप के अंदर लगा हुआ है, बहुत ही आसानी से पलट जाता है। तो एक साइड से बिल्कुल करारा हो गया है, देख सकते हैं कितना अच्छा गोल्डन सा कलर आ गया है सोया चाप के ऊपर। और इस तरह से हम बनाते हैं तो ये थोड़ा हेल्दी होता है, और डीप फ्राई करते हैं तो थोड़ा कम हेल्दी होता है, लेकिन दोनों का टेस्ट में कोई फर्क नहीं आएगा आपको। तो थोड़ा सा हम एक बार शेक कर लेते हैं, देखिए इस तरह से, और उसके बाद हम दोबारा भी इसी तरह से हम बिल्कुल करारा दूसरे साइड से भी करके उसके बाद हम इसे निकालेंगे। तो देख रहे हैं ना कितना लजीज लग रहा है देखने में। तो देखिए यहाँ पे सोया चाप है जो अच्छा से फ्राई हो गया है, एक हम प्लेट में निकाल के रखते जा रहे हैं। तो अब आती है बारी इसका ग्रेवी बनाने का। तो ग्रेवी बनाना बहुत ही आसान है, तो आप चाहें तो इस तरह से फ्राई करके आप रोटी चपाती के साथ ऐसे भी खा सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही टेस्टी लगता है दोस्तों खाने में। तो देखिए जो हम पैन यूज किए थे उसी पैन का हम दोबारा से यूज करेंगे। तो सरसों का तेल हम ज़्यादा करके सब्जियों में यूज करते हैं, जो भी आप तेल खाते हैं वो डाल लें। तो यहाँ पे हम 2 बड़े चम्मच सरसों का ही तेल डाले हैं। अब इसमें हमें तड़का क्या क्या डालना है मैं आपको बताती हूँ। तो 2 तेज पत्ता हम डालेंगे, 2 लाल मिर्च डालेंगे इसमें। लाल मिर्च का फ्लेवर जो आता है सोंधापन तड़के में, जो सोया चाप करी के साथ आएगा, बहुत ही बेहतरीन लगेगा खाने में। ये देखिए हम थोड़ा सा जीरा डाल लिए हैं, जीरा डाल के और तड़का को हम भून लेंगे। जैसे ही हमारा तड़का भून जाएगा, जो हम प्याज काट के रखे थे रफली, उसे डाल लेना है हमें। तो आप चाहें तो इसे, जैसे कि हम प्याज का प्यूरी बना लेते हैं, वैसे भी प्यूरी बना के डाल सकते हैं आप, और इस तरह से काट के भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा हम नमक डाल लिए हैं कि थोड़ा जल्दी फ्राई हो जाए हमारा प्याज और जल्दी गुलाबी हो जाए। तो देखिए दोनों का टेस्ट में फर्क है, जैसे कि आप प्यूरी बना के डालते हैं तो उसका टेस्ट जो है करी में अलग आता है, और इस तरह से भून के बनाते हैं तो उसका टेस्ट करी में अलग आता है। तो आप अगर प्यूरी बना के बनाते होंगे तो उसका टेस्ट का आपको पता होगा। तो देखिए हम 2 चम्मच छोटा वाला चम्मच से यहाँ पर डाले हैं अदरक लहसुन का पेस्ट। पेस्ट को डाल के हम अच्छे से भून ले रहे हैं, और प्याज जो अच्छा गुलाबी हो जाना चाहिए भूनते भूनते। तो देखिए कितना अच्छा हमारा जो प्याज है गुलाबी हो रहा है, और ध्यान रखेंगे कि जो हमारा प्याज है बढ़िया सा भून जाए, जब भी जाके जो हमारा सोया चाप करी में है ना दोस्तों, टेस्ट लाजवाब आएगा। तो देखिए इन छोटे छोटे बातों का ध्यान रखें, मसाला तो हर कोई डालता है सब्जी में, लेकिन टेस्ट में फर्क आ जाता है। सामान वही रहता है, हाथ अलग अलग होता है, बनाने का आइडिया अलग अलग होता है, वरना सब्जियां तो टेस्टी होता ही होता है। तो देखिए हम 2 चम्मच डाल लिए हैं यहाँ पर धनिया पाउडर, और 2 चम्मच हम तीखा वाला मिर्च डालेंगे। जितना आप तीखा पसंद करते हो आपके घर में फैमिली, उतना ही आप डालें। और 1 चम्मच हम हल्दी पाउडर डाले हैं, और 1 चम्मच हम ये कश्मीरी लाल मिर्च डाले हैं, 1 चम्मच और डालूंगी मैं। और ये देखिए ये किचन किंग है, किचन किंग आपको आसानी से मार्केट में मिल जाएगा। और यहाँ पे हम 2 टमाटर को रफली काट के और अच्छे से मिक्स कर ले रहे हैं। फ्लेम को बिल्कुल लो कर दिए हैं हम, और जो मसाला हमारा बचा था ग्रेवी, अब मैं उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके डाल ले रहे हैं, और डालने के बाद हम अच्छे से एक बार मिक्स करेंगे। और थोड़ा पानी मैं और डालती हूँ, देखिए अच्छा से पहले मिक्स कर लेती हूँ, उसके बाद मैं थोड़ा सा और पानी डालूंगी। और फ्लेम को अब हमें लो कर देना है, हाई पे नहीं रखना है, मीडियम पे भी नहीं रखना है, लो पे हम मसाला को बढ़िया से भूनेंगे। टमाटर प्याज सब कुछ गल जाएगा और एक अच्छा सा ठीक ग्रेवी बन जाएगा। तो मैं इसे ढक्कन से ढक ढक के भूनूंगी, फ्लेम लो कर दी हूँ देख सकते हैं आप, और ढक्कन से ढक ढक के भूनूंगी। और यहाँ पे भूनते भूनते देखेंगे तो जो हमारा ये ग्रेवी है बहुत ही बढ़िया बन गया है, सारा टमाटर जितना था और प्याज था गल चुका है, और सारा मसाला जो है अच्छा तेल छोड़ चुका है। तो
ऐसा ही ग्रेवी हमें चाहिए इस सोया चाप करी के लिए। तो देख सकते हैं कितना बेहतरीन बना है। तो अब हमें करना क्या है, मैं आपको बताऊंगी कितना आप करी बनाना चाहते हैं। अगर गाढ़ा बनाना चाहते हैं तो गाढ़ा रख सकते हैं, और पतला बनाना चाहते हैं तो पतला रख सकते हैं। तो मैं इसे दोपहर के टाइम में बना रही हूँ, और इसे मैं चावल से सर्व करूंगी अपने बच्चों को। तो इसे मैं थोड़ा पतला ही ग्रेवी बनाऊंगी। आप चाहें तो रोटी के साथ खाना चाहें तो इसे थोड़ा मोटा ग्रेवी बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 2 गिलास पानी डाली हूँ, और पानी का डालने के बाद अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। और मिक्स करने के बाद में यहाँ पे हम स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। तो देखिए स्वाद अनुसार नमक हम ऐड कर लिए, ध्यान में रखते हुए कि हम सोया चाप में भी नमक डाले हैं, और 2 मिनट के लिए ढक दिए थे कि इसमें से अच्छा खासा उबाल आ जाए। तो यहाँ पे हमारा उबाल आना स्टार्ट हो गया है ग्रेवी में से, तो हम सोया चाप को डाल लेंगे। सोया चाप डाल के और अच्छा से हम इसमें उबाल आने के लिए वेट करेंगे। तो सारा में हम अरेंज कर ले रहे हैं, और उसके बाद में आपको बना के दिखाते हैं कि कैसा हमारा सोया चाप करी बन रहा है। तो देख सकते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे तो हमारा जो सोया चाप करी है बहुत ही बेहतरीन उबल गया है, और जो हमारा ग्रेवी है वो भी गाढ़ी हो गई है। तो खाना तो दोस्तों हर कोई बनाता है, लेकिन अपना अपना बनाने का एक अंदाज होता है। और जो जो हमारी मम्मी दादियाँ खाना बनाती थी, और बहुत ही दिल से बनाती थी और बहुत तसल्ली पूर्वक बनाती थी, जब भी जाके जो खाना था पहले जमाने का वो बहुत ही टेस्टी हुआ करता था। तो हम भी उन्हीं का टिप फॉलो करते हैं। तो ये जो सब्जी बनाने का टिप है मैं आपको कुछ दूंगी, तो आप वीडियो को एंड तक देखते रहें, और अगर पसंद आई हो तो ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। तो देखिए यहाँ पे बन के रेडी है, 2 से 3 मिनट के लिए और हम उबालेंगे, और हम इसे 7 से 8 मिनट के लिए खोलने के लिए छोड़ दिए थे। तो पूरा टाइम हम 7-8 मिनट खोलाए हैं, और यहाँ पे हमारा सब्जी बन के बिल्कुल तैयार है। तो 2 मिनट के बाद हम इसे सर्व करके दिखाते हैं। तो जैसे कि मैं बताई कि मैं इसे चावल के साथ सर्व करूँगी, दोपहर का टाइम है, और यहाँ पे हमारा सोया चाप करी इतना लजीज दोस्तों बना है। लजीज बन के तैयार है दोस्तों। इस रमजान में आप रोजा खोलने के बाद, अफ्तारी के बाद जरूर इसे बनाएं, क्योंकि आज शायद 15वां रोजा पार कर गया, तो एक बार तो हमारे स्टाइल से सब्जी बना के इस रोजा में सभी पूरे फैमिली के साथ बैठ के खाएं, मजा आ जाएगा। तो आप सभी को रमजान का ढेर सारा शुभकामनाएं दोस्तों। तो खाना तो हर किसी को बनाना आता है, लेकिन खाना बनाने का अपना अपना स्टाइल है, जैसे कि मैं आपको वीडियो में बताई। और खाना जो है ना दोस्तों, तसल्ली पूर्वक बनाने का काम है। पहले ज़माने में आप देखे होंगे जो पूर्वज हमारे थे, खाना बनाते वक्त किसी से बात भी नहीं किया करते थे, और वो इतना तसल्ली पूर्वक और भगवान का नाम लेके बनाते थे, और वो जो खाना बनता था दोस्तों बहुत ही टेस्टी और बहुत ही स्वादिष्ट और हेल्थ से भरा। तो आज तो हम लोग फॉलो नहीं करते हैं, लेकिन जो मैं बनाती हूँ खाना शायद आप सभी को दिल को छूने की कोशिश ज़रूर करती हूँ। लेकिन आप कैसा लगा ये रेसिपी जो हमारा सोया चाप का है, ज़रूर बताएं और लाइक ज़रूर कर दें दोस्तों, और हमारे साथ वीडियो में जुड़े रहें इसी तरह से, क्योंकि हम सब तो बहुत ही बेहतरीन फैमिली है, और मैं हर रेसिपी हर सुख दुख आप सभी से शेयर करती हूँ। तो देखिए अब हम ये सोया चाप का सब्जी, और ये चावल देखिए, चावल भी बनाना हर किसी को ही आता है, और ये बिल्कुल खिला खिला चावल कैसे बनाते हैं मैं बहुत जल्द ये रेसिपी लाने वाली हूँ। उसे भी आप देखें, पसंद करें, लाइक करें, और अब मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ बिना टाइम गंवाए। तो देखिए ये लजीज सा हमारा सोया चाप ये दोपहर के खाने में रेडी है, तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें। मेंबर के लिए 1 पीस सोया चाप डालिए, 1 प्लेट चावल, और बाबाई लुटिए दोस्तों। तो मैं तो जा रही हूँ खाने और अपने पूरे फैमिली को खिलाने, और आप इस तरह से ज़रूर बनाएं और कमेंट बॉक्स में बताएं कैसा लगा ये रेसिपी। और मैं मिलती हूँ उसी तरह के नए रेसिपी में, जब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।